हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अली। हम आज की वीडियो में देखेंगे टास्क मैनेजर के फीचर्स और इंट्रोडक्शन ऑफ द टास्क मैनेजर और टास्क मैनेजर ओपन करने की डिफरेंट डिफरेंट की कौन सी है। सबसे पहले टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए टास्क बार के अंदर हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप देख रहे हो टास्क मैनेजर, यहाँ से भी हम लोग टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है विंडोज़ बटन के ऊपर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, किसे भी हम लोग टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। फोर्थ वन है कंट्रोल अल्ट डिलीट से भी हम लोग टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद सबसे पहला है प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर हम लोग देख सकते हैं करेंटली कौन सा प्रोसेस अभी करेंटली वर्क कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस करेंटली वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो, अगर मैं समझो कि गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मेरा अभी टास्क के अंदर गूगल क्रोम ओपन है और टास्क मैनेजर भी ओपन है, दो टास्क ओपन है। अगर गूगल क्रोम को बंद कर दूंगा तो यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही टास्क शो करेगा, टास्क मैनेजर। सेकंड है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर आपको ये शो करेगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, सीपीयू परफॉर्मेंस, मेमोरी परफॉर्मेंस और हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस। फिलहाल के लिए मैंने वाईफाई कनेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे मुझे नेटवर्क भी शो करेगा। सीपीयू के अंदर आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन शो करेगा, मेमोरी के अंदर आपको मेमोरी यूटिलाइजेशन शो करेगा और हार्ड डिस्क के अंदर अगर आपके दो दो हार्ड डिस्क है, डिस्क वन है और डिस्क जीरो, जैसे आपके दो हार्ड डिस्क है तो आपको दो हार्ड डिस्क शो करेगा, डिस्क जीरो और डिस्क वन, और दोनों हार्ड डिस्क डिफरेंट, एक एसएसडी है और एचडीडी नॉर्मल हार्ड डिस्क है, तो आपको यहाँ पे एचडीडी शो करेगी, नॉर्मल हार्ड डिस्क रहेगी और एसएसडी रहेगी तो आपको यहाँ पे एसएसडी शो करेगी, और जितने भी उसके पार्टीशन रहेंगे आपको वो पार्टीशन भी शो करेंगे। नेक्स्ट के एप्लीकेशन हिस्ट्री। एप्लीकेशन हिस्ट्री के अंदर आपको कौन से एप्लीकेशन रनिंग में है और कौन से एप्लीकेशन आपके सिस्टम में है, उस सारे हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो करेगी। नेक्स्ट है स्टार्टअप। स्टार्टअप यानी ये होता है कि हमारा सिस्टम जब बूट हो, बूट होने के टाइम हम लोग ने कौन से एप्लीकेशन को अनेबल करके रखे हुए, जैसे सिस्टम स्टार्ट हो एप्लीकेशन भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग टास्क मैनेजर के स्टार्टअप से हम लोग अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सपोज मुझे वन ड्राइव को मुझे स्टार्टअप में अनेबल करना है तो मैं यहाँ पे अनेबल करूँगा। जैसे मैं कंप्यूटर रिस्टार्ट करके जैसे भी ऑन करूँगा तो मेरा टास्क मैनेजर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ऑन होगा। अगर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको राइट क्लिक करके मैं इसको डिसेबल करूँगा तो ये मेरे स्टार्टअप्स के अंदर डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज़र। यूज़र में आपको शो करेगा कि कौन से यूज़र्स आपके विंडोज 10 के अंदर ऑलरेडी लॉग इन है। सपोज हम लोगों ने हमारे सिस्टम में दो यूज़र बनाए हैं, टैग और टैग वन, तो और मैं टैग और टैग वन को लॉग ऑफ करके टैग वन लॉग इन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दो यूजर लॉग इन शो करेंगे, टैग और टैग वन। टैग वन के अंदर क्या क्या, उसका परफॉर्मेंस आपको परफॉर्मेंस शो करेगा। नेक्स्ट डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर प्रोसेसर आईडी शो करेगा, उसका स्टेटस क्या है, यूजर नेम, सीपीयू, मेमोरी और यूजर ऑथेंटिकेशन कंट्रोल भी शो करेगा, आपने अलाउ किया है या फिर डिसेबल किया है। नेक्स्ट है सर्विसेज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट से टास्क मैनेजर के अंदर कि हमें कौन से सर्विसेज यहाँ से स्टॉप करनी है, स्टार्ट करनी है, यही यहाँ पे। परफॉर्मेंस के अंदर अगर आपको चेक करना है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है एज अ परसेंटेज वाइज, तो उसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके रिसोर्स पे जाएंगे। रिसोर्स के अंदर हम लोग मेमोरी पे जाएंगे। मेमोरी पे यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज शो करेगा आपको। अगर परसेंटेज आपको शो नहीं करवाना है, ऐसे आपको वॉल्यूम स्लो करवाना है तो आपको वॉल्यूम के हिसाब से आपको शो होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्क चेक करते हैं, डिस्क एज अ परसेंटेज वाइज, तो यहाँ पे आपको डिस्क एज अ परसेंटेज वाइज शो करेगी और डिस्क एज आपको वॉल्यूम वाइज शो करवाना है तो एज अ वॉल्यूम वाइज शो करेगी। इस तरह हम लोग टास्क मैनेजर से मेमोरी, डिस्क और सीपीयू हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको जीपीयू भी शो कर रहा है।
देन जीपीयू इंजन, जीपीयू इंजन भी शो कर रहा है। यहाँ से आपको जो जो चीज उस हिसाब से आप टास्क मैनेजर को अपने हिसाब से फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हो और उसको डिनाई भी कर सकते हो। जो जो चीज़ें आपको चेक करने के टास्क मैनेजर के परफॉर्मेंस में क्या क्या सिस्टम्स दिखा रही है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। और एक न्यू थिंग, टास्क मैनेजर के अंदर आपको कोई भी प्रोसेस अगर एंड टास्क करना है तो फाइल में जाके आप रन न्यू टास्क करके भी आप यहाँ से एक्सप्लोरर डॉट exe करोगे, एक्सप्लोरर डॉट exe करके ओके करोगे तो आपका टास्क मेन्यू और आपकी सारी चीज़ें वापस से आपको डेस्कटॉप पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे यूजर को प्रॉब्लम आता है कि हमें विंडोज स्टार्टअप होने के टाइम पे ब्लैक ब्लैक कर्सर शो करता है, ये टास्क बार और डेस्कटॉप के आइकन शो नहीं करते। तो आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है, ओपन करने के बाद फाइल में जाके रन में टाइप करना है एक्सप्लोरर डॉट exe। जैसे आप एक्सप्लोरर डॉट exe करके ओके करोगे तो आपको एक टास्क मैनेजर के अलावा एक्सप्लोरर शो करेगा, जिसके अंदर आपकी सारी ड्राइव शो करेंगी, आपका टास्क बार शो करेगा और आपके डेस्कटॉप के आइकन भी आपको शो करेंगे। इस तरह हम लोग टास्क मैनेजर से हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज कर सकते हैं। और कोई भी एप्लीकेशन को एंड टास्क करना है तो हम लोग उसको एंड टास्क भी कर सकते हैं। सपोज मुझे इसको एंड टास्क करना है तो राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ पे एंड टास्क भी कर सकते हो। इस तरह हम लोग टास्क मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।